पा रहे हैं, लिखा हुआ है पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है, आगे रास्ता बंद है, रुकावट के लिए खेद है। मतलब यहाँ तक तो आ जाइएगा, लेकिन इसके आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग अद्भुत बजरंग बली के रास्ते होते हुए अगर कचहरी चौक अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल क्लोज है। ये यहाँ पे काम चल रहा है, अभी रास्ते में आए हैं तो कई काम नहीं चल रहा, लेकिन ये अद्भुत हनुमान मंदिर जो है यहाँ पे श्री श्री 108 अद्भुत हनुमान मंदिर यहाँ पे जी। तो देखिए आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं, इस भोलानाथ पुल के बीच से और बौसी वाला लाइन के बीच में, इसके बीच में क्यों नहीं पिलर बना है, दिख रहा है ना, ये फ्लाई ओवर के अंदर जब बारिश होती है ना भैया, तो ये फ्लाई ओवर समझिए बिल्कुल इसके अंदर चलने वाले लोग डूब जाते हैं, नदी बन जाते हैं, भोलानाथ नदी। हाँ ये देखिए सेंट्रिंग बिल्कुल अभी खुला नहीं है, बिल्कुल तैयार है और इतना काम तेजी से चल रहा है कि क्या बताएं, देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे पिलर बनाने का काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से और धूप इतना तेज है, फिर भी लेबर भाई साहब लोग लगे हुए हैं। देखिए तो देखिए इस पुल के बाद हम जब जस्ट आगे आए हैं तो इसके आगे एक भी पिलर नहीं बना है, एक भी पिलर का काम नहीं हुआ है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं भागलपुर में और आज आप लोग को अपडेट देने वाले हैं भागलपुर का सबसे बड़ा समस्या भोलानाथ पुल, जिसका काम अभी फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा है। हमारे पीछे जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कितना पिलर तैयार हुआ है, आज से कुछ दिन पहले आप लोग को ब्लॉग देते उसमें पिलर तैयार हो रहा था, लेकिन अभी तक जैसा कि देख रहे हैं पिलर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक देख रहे जरूर फॉलो कीजिएगा, और जितने भागलपुर वासी देख रहे हैं प्यार जोड़ दीजिएगा। चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट और आप लोग को पूरी अपडेट देते हैं इस भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज का कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अभी जस्ट मिर्जान साइड से आ रहे हैं, मिर्जान साइड से आ रहे हैं और जहाँ से ये फ्लाईओवर ये ब्रिज स्टार्ट हुआ है इसी जगह से आप लोग को ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये पिलर नंबर वन है, कितना पिलर है इस रास्ते में वो आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि देखिए ये पिलर नंबर वन, पिलर नंबर टू, थ्री, फोर और बीच में एक सबसे हाईएस्ट पिलर है, तो वहाँ पे लेके चलते हैं फिर आप लोग को जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं देखिए पिलर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल मोटे मोटे पिलर हैं, और इस रोड में जिस समय हम आए थे ना तो उस समय यहाँ पे बिल्कुल कीचड़ वीचड़ था, लेकिन अभी बिल्कुल आवागमन शुरू हो चुका है। कहाँ से ये रास्ता ब्लॉक किया गया है गाड़ियों को आने का वो भी आप लोग को जानकारी देंगे। चलिए फिलहाल अभी हम पीछे से पिलर नंबर वन से आए हैं, पिलर नंबर टू एक एक करके पूरा पिलर की जानकारी देंगे, कितना पिलर है टोटल इस रास्ते में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ना ये छोटा वाला पिलर जो आप लोग को दिख रहा है ये छह पिलर एकदम एक साइज का है। देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है ना सामने से ये छह पिलर एक साइज का है, लेकिन उसके बाद वाला जो पिलर है ना वो थोड़ा ऊँचा है, वो कितना ऊँचा है वहाँ पर चल के आप लोग को दिखाते हैं। चलिए और जैसा कि आप लोग को दिखाए ना तो रास्ता बिल्कुल चलने के लिए बिल्कुल मतलब चलने फिरने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन उस समय आए थे तो बिल्कुल कीचड़ था इस रास्ते में, तो काम बहुत तेज़ी से चला है, देख लीजिए आप लोग। आप लोग बोल रहे थे कि फ्लाईओवर ब्रिज का जानकारी दीजिए क्या काम चल रहा है, तो यही काम चल रहा है फिलहाल। अभी इधर रास्ते में तो कहीं काम दिख नहीं रहा है, मतलब काम बंद ही दिख रहा है, लेकिन अब आगे जो आप लोग को ये बड़ा वाला पुल दिख रहा है ये छः पुल के बाद सबसे ऊँचा पुल है। चलिए तो देखिए यहाँ से ये इधर रास्ते इधर से रास्ता बना दिया गया है गाड़ी मोटर चलने के लिए, और अगर सिंगल लेन से चलना है तो देखिए ये रास्ता आप लोग को दिख रहा है बगल से, इसी के बगल से हम लोग चलेंगे और आप लोग को पूरा जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं देखिए ये जो है ना पिलर आप लोग को ये जो अभी हम जस्ट इस साइड से आए हैं छह पिलर एक साइज का था, लेकिन जब हम इस जगह पे आए ना तो ये पिलर देखिए क्यों ऊंचा है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में रेलवे लाइन है, तो इस रेलवे लाइन के ऊपर से ही ये जो ओवरब्रिज जो निकालेगी गाड़ी जो गुजरेगी इसीलिए ये पिलर ऊँचा है। और क्यों, क्योंकि देखिए अभी जस्ट बगल में आप लोग को दिखाना चाहते हैं, देखिए आप लोग को दिख रहा है ना वो ओवरब्रिज रेलवे लाइन का वहाँ से गाड़ी निकलेगी, तो इसीलिए इसको ऊंचा बनाया गया है। देखिए देखिए क्या आप लोगों को दिख रहा है ना सामने ये लाइन चली गई है बौसी जगदीशपुर बांका की ओर, और इसी के जस्ट बगल में देखिए बहुत ऊंचा पिलर बनाया गया है। सेंटरिंग अभी खुला नहीं है लेकिन बन के बिल्कुल तैयार है पिलर। चलिए आगे भी और लेके चलेंगे और आगे भी आप लोग को व्यू दिखाते हैं। तो देखिए सेंटरिंग बिल्कुल अभी खुला नहीं है, बिल्कुल तैयार है और इतना काम तेजी से चल रहा है कि क्या बताएं, देख लीजिए छह पिलर बिल्कुल पीछे था और छह पिलर के बाद ये जो आप लोग को दिख रहा है ये बहुत लंबा पिलर है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में रेलवे ओवरब्रिज है देखिए, और बताया गया कि इसके जस्ट बगल में एक और पिलर अभी मतलब होना बाकी है। तो चलिए फिलहाल अब रेलवे लाइन को उस पर, ये भोलानाथ पुल नहीं है ये बौसी लाइन जो जाती है ना ये वो पुल है, लेकिन भोलानाथ पुल इससे थोड़ा आगे है, वहाँ पर भी आप लोग को अपडेट देंगे, क्योंकि वहाँ पर भैया सबसे बड़ा समस्या वही होता है जब पानी आ जाता है ना तो वहाँ जमता पानी बहुत है,
वहाँ पे डूब जाते हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं व्यू। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब भोलानाथ पुल की ओर, क्योंकि हम आ रहे हैं मिर्जान साइड से। और इस जगह पे अगर आप लोग को दिखाना चाहें तो देखिए, ये रेलवे लाइन जो गुजरी है ये बौसी लाइन गई हुई है, और इसके जस्ट आगे कितना और पिलर बना है वो भी आप लोग को अपडेट देंगे। क्योंकि इस बौसी वाली लाइन के पीछे 6 पिलर बना है, एक सातवां पिलर जो लंबा वाला है उसके आगे तो अभी पिलर दिख नहीं रहा है, लेकिन बताया गया कि पिलर बन के तैयार हुआ है। चलिए देखते हैं कितना काम हुआ है। तो देखिए, इस पुल के बाद हम जब जस्ट आगे आए हैं तो इसके आगे एक भी पिलर नहीं बना है, एक भी पिलर का काम नहीं हुआ है देखिए। और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल भोलानाथ पुल के पास। आप लोग सामने दिख रहा है ना वाइट वाला, वो भोलानाथ पुल है। उसके बाहर काम हुआ है नहीं वो भी आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल इस साइड तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। बौसी वाला रेलवे लाइन जो था इसके मतलब उत्तर साइड में एक भी पिलर हमको नहीं दिख रहा है भोलानाथ पुल से पहले। चलिए भोलानाथ पुल के पास पहुंच ही रहे हैं, फिर उसके बाद कितना उस साइड पिलर बना है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए, आप लोग को दिखाना चाहते हैं, हम पहुंच गए हैं भोलानाथ पुल के पास। ये जो आप लोग को सामने दिख रहा है ये भागलपुर की सबसे बड़ी समस्या है भैया। क्यों? क्योंकि जब बरसात होती है ना तो इसके अंदर से मतलब समझिए कि गंगा का बहाव होना लगता है, बहुत तेज बहाव होता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब पानी बिल्कुल भर सा जाता है। और अगर हम बताएं तो पिलर जो बौसी लाइन के आगे जो हम आए हुए हैं उत्तर साइड में, जिस साइड भोलानाथ पुल है उस साइड तक एक भी पिलर नहीं है। बौसी लाइन के उस साइड ही बना हुआ है पिलर, लेकिन इसके बाद इधर का काम अभी कुछ भी नहीं है। और काम भी बिल्कुल बंद सा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे काम भी हो नहीं रहा है। देखिए, हम पहुँच गए हैं बिल्कुल भोलानाथ पुल के पास। ये आप लोग को दिख रहा है ना, ये भोलानाथ पुल है। और हम जब आ रहे हैं उस साइड से तो वो देखिए बौसी वाला लाइन जो आपको दिख रहा है इसके आगे एक भी पिलर नहीं बना है, देख लीजिए। तो काम उस साइड शायद एक पिलर दिख रहा है, लेकिन उस साइड लेके चलेंगे उस साइड का व्यू दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, सूखे दिन में बिल्कुल खाली है, लेकिन जब बारिश होता है ना तो गंगा बहने लगता है इसमें। जैसे अभी बाइक वाले लोग जा रहे हैं ना तो डूब जाते हैं इसके अंदर से। इसी समस्या का मतलब समाधान के लिए इसके ऊपर से फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। चलिए उस साइड भी लेके चलेंगे और थोड़ी जानकारी आप लोग को दे देते हैं। तो देखिए, आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं, इस भोलानाथ पुल के बीच से और बौसी वाला लाइन के बीच में इसके बीच में क्यों नहीं पिलर बना है। बताया जा रहा है कि इसके बीच में ना मशीन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इस कारण से यहाँ पे अभी पिलर एक भी तैयार नहीं हुआ। होगा किसी ना किसी प्रकार से मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा, और प्लानिंग चल रहा है कि कैसे यहाँ पे पिलर का मतलब मशीन को यहाँ पे लाया जाएगा। तो चलिए, ये जानकारी थी कि भोलानाथ पुल से अगर आप दक्षिण साइड जाएंगे बौसी लाइन के बीच में, इसमें एक भी पिलर नहीं है, लेकिन उस साइड 7 पिलर है। लेकिन भोलानाथ के उस साइड अगर उत्तर साइड चलते हैं तो देखते हैं कितना पिलर बन के तैयार है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे और पूरी जानकारी आप लोग को देंगे कि कितना काम यहाँ पे भी फ्लाईओवर का हुआ है। चलिए चलते हैं और आप लोग को और अपडेट देते हैं। चल रहे हैं भोलानाथ पुल से उत्तर साइड, और उधर का काम कितना हुआ है वो भी आप लोग को जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ये जो समस्या आप लोग को दिख रहा है ना, ये फ्लाईओवर के अंदर जब बारिश होती है ना भैया, तो ये फ्लाईओवर समझे बिल्कुल इसके अंदर चलने वाले लोग डूब जाते हैं, नदी बन जाते हैं। हाँ, ये भोलानाथ पुल जब बारिश होता है तो नदी बन जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को दिखाया ना तो हम ऊपर हाथ सटा रहे तो टच हो जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा समस्या है। गाड़ी भी यहाँ पे बगल में आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें नाली में कभी कभी लोग बह जाते हैं यहाँ पे लोग। तो चलिए, अब हम उत्तर साइड हम आ गए हैं मतलब भोलानाथ पुल से, और इसके बाद कितना मतलब आगे का कायाकल्प हो जाएगा। हाँ, अगर बनेगा तो ये नर्क जो है स्वर्ग में बदल जाए। चलिए, बताया जा रहा है यहाँ पे मतलब स्थानीय लोग हैं तो वो बताया है कि अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, हम इस साइड आ गए हैं तो इस साइड से आप लोग को अपडेट देते हैं कि क्या पिलर बना है और कितना काम चल रहा है। देखिए, फर्स्ट पिलर यहाँ पे दिख गया जैसे हम लोग इस साइड आए हैं, पहला पिलर दिख गया। देखिए, जैसे यहाँ पे आए एक पिलर, और अद्भुत हनुमान मंदिर है यहाँ पे ही, आगे भी काम चल रहा है। चलिए, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, पिलर का भी काम चल रहा है, और यहाँ पे देखिए इतने तेज धूप में लगे हुए हैं लेबर भाई साहब लोग। बगल में पेट्रोल पंप है। हाँ, जेट के धूप में, और जो भारत के वर्कर्स हैं, भारत के वर्कर्स निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे मिट्टी भी गिरा हुआ है, ये लोग धूप को भी बीट करती है। देखिए, पगड़ी नहीं है सिर पर, टोपी नहीं है। हाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि भागलपुर सिल्क सिटी का विकास हो, और ये मजदूर लोग उस कार्य के लिए लगे हुए हैं। चलिए, देखिए यहाँ भी पहुंचे हैं, तो यहाँ भी देखिए पिलर का काम चल रहा है। आगे भी अभी मतलब ये मान के चलिए कि आगे भी छोटा छोटा पिलर बना है, लेकिन इसके पास जो अभी ये अद्भुत हनुमान मंदिर है यहीं पे भी काम चल रहा है बहुत जोरों से। तो चलिए,
ये थी जानकारी आप लोगों को इस भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज का। ये यहाँ पे काम चल रहा है, अभी रास्ते में आए हैं तो कई काम नहीं चल रहा, लेकिन ये अद्भुत हनुमान मंदिर जो है यहाँ पे श्री श्री 108 अद्भुत हनुमान मंदिर, यहाँ पे काम चल रहा है। चलिए इसके आगे भी लेके चलते हैं और कहाँ तक ये पिलर का काम हुआ है वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आगे बढ़े हैं वहाँ जो अद्भुत हनुमान मंदिर के आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे एक छोटा पिलर है, इसका भी काम अभी मतलब रुका हुआ है, रोड वोड बिल्कुल कसा के तैयार है। अभी आगे और बढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं, कितना पिलर बना हुआ है वो भी आप लोग को बताएंगे। देखिए सामने भी आप लोग को दिख रहा है ये वाला छोटा वाला पिलर बना है, अभी ये जितना आप लोगों को ऊपर रोड दिख रहा है इसमें भी अभी ढलाई होगा और ऊंचा पिलर होगा। फिलहाल इस रास्ते को भी क्लोज कर दिया गया है, कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही है इस रास्ते में, सिर्फ बाइक चल रही है, देख लीजिए। चलिए फिलहाल हमको इस तालाब को पार करना है और उस पार जाना है। चलिए आप लोग को अपडेट दे रहे हैं तो आप लोग अपडेट लीजिए और जानकारी भी आप लोग ले लीजिए कि भागलपुर में फ्लाईओवर ब्रिज का काम कितना हुआ है और कितना बाकी रह गया। तो दिखाना चाहें तो देखिए किसी में मतलब नीचे से बेस तैयार कर दिया गया है, किसी में मिड में रोक दिया गया है, फिर पिलर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखो हम बढ़े जा रहे हैं और आप लोग को दिखाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मिट्टी खुदाई का काम चला है, यहाँ भी पिलर बन के तैयार हो रहा है। चलिए फिलहाल रास्ता थोड़ा कंजस्टेड है, निकलते हैं आगे और दिखाते हैं कि कहाँ पे पिलर का भी काम अभी मतलब कहीं गड्ढा हो रहा है और क्या क्या काम चल रहा है। देखिए बेस तैयार है, इसके ऊपर भी अभी बनना बाकी है। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग अद्भुत बजरंग बली के रास्ते होते हुए अगर कचहरी चौक अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल क्लोज है, बाइक पैदल चल सकते हैं, ना ही बाइक आ सकती है, ना थ्री व्हीलर टू व्हीलर कोई भी गाड़ियाँ नहीं आ सकती। जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, देखिए काम चल रहा है, तो यूँ मान के चलिए कि ये रास्ता बिल्कुल क्लोज है। आप लोग आने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और सोच समझ के इस रास्ते में आए, क्योंकि ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है, बाइक लेके ना घुसें, साइकिल वाले आ सकते हैं, साइकिल छोटा सा गाड़ी है वो हल्का रहता है गाड़ी, लेकिन जो भारी वाहन जैसे बाइक आते हैं वो लेके ना आए तो बेहतर है, थोड़ा दूर से निकल जाए, मतलब थोड़ा लॉन्ग रूट लेके निकल जाए, लेकिन इस रास्ते को ना चुने इस रूट में आने के लिए, क्योंकि अद्भुत बजरंगबली से इस रास्ते में भी काम चल रहा है। तो आप लोग जरूर ध्यान दें और इस रास्ते को ना ही चुने तो बेटर होगा, पैदल वाले आ सकते हैं। बाकी चलिए आगे लेके चलते हैं और कितना काम हो रहा है वो भी आप लोग को दिखाते हैं, ये जरूरी जानकारी थी इसलिए आप लोग को दे दिए। तो चलिए यहाँ पे पिलर बनाने का काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से और धूप इतना तेज है, फिर भी लेबर भाई साहब लोग लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, क्योंकि देखिए भागलपुर का सबसे बड़ा समस्या यही भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज है, ये बन जाएगा तो फिर समझिए कि समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आप लोग को आगे भी दिख रहा है, देखिए बहुत बड़ा क्रेन है, वहां तक आप लोग को लेकर चलेंगे और वहां पे भी क्या काम हो रहा है वो भी आप लोग को बताएंगे। चलिए जितने लेबर भाई साहब हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए मन लगा कीजिए और जल्दी से इसको तैयार कीजिए। बढ़ते हैं आगे और रास्ता समझिए, ये मन का चलिए बिल्कुल क्लोज है, यहीं पे भाई साहब लोग काम कर रहे हैं और हम बढ़ते जा रहे हैं अब आगे। देखिए भैया कैसे बाइक वाले भैया सब आ रहे हैं रिक्स पे लेके, खतरों से भरा हुआ है भाई, काहे आते हैं भैया इतना खतरा वाला रास्ता में, है बहुत खतरनाक रास्ता है, गिर पड़ जाइएगा बेकार का, थोड़ा शॉर्ट ले लीजिए वो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे मत आया कीजिए ऐसे खतरों से खेल कर। चलिए देखिए बाइक वाले भैया थे अब ये निकल रहे हैं और फिलहाल इधर देखिए आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे क्रेन भी इस पिलर को रौंद रहा है। देखिए चलिए आगे भी चल रहे हैं और आगे का भी जानकारी देते हैं आप लोग, जगह को देखिए ज्ञान संसार इसी के पास हम लोग पहुंचे हैं और आगे देखिए बहुत बड़ा क्रेन लगा हुआ है, बहुत बड़ा क्रेन, काम चल रहा है, बिल्कुल रास्ता ब्लॉक है फिर भी मोटरसाइकिल वाले भाई साहब लोग घुस जा रहे हैं और ये रास्ता बिकनपुर गुमटी नंबर भी जाती है। चलिए टोटो वाले भैया भी घुस गए हैं इस रास्ते में, कैसे पता नहीं चल पा रहा। चलिए आगे चलते हैं जहां तक पिलर का काम होगा, उसके बाद फिर ब्लॉक पॉइंट करेंगे। देख पा रहे हैं लिखा हुआ है पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है, आगे रास्ता बंद है, रुकावट के लिए खेद, मतलब यहाँ तक तो आ जाइएगा लेकिन इसके आगे जा पाइएगा कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा क्रेन लगा हुआ है और समझिए बिल्कुल रास्ता बंद। देखिए देखिए रास्ता दिखा रहे हैं आपको ना, देखिए छोटा वाला रास्ता और देखिए पूरा कीचड़ से भरा हुआ, पूरा कीचड़, और यहाँ पिलर का जो बनाया गया है रोड से गोल गोल वाला ये तैयार किया जा रहा है, ये देखिए।
चलिए यहाँ तक बिल्कुल काम बिल्कुल प्रोसेस में है। देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है, और अगर आप लोग को दिखाना चाहे लोकेशन तो देखिए केपी नारायण हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही काम यहाँ पे, मतलब लास्ट पिलर यहीं तक तैयार किया जा रहा है। तो चलिए कैसी लगी आप लोग को जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा। इसके आगे बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, इधर से लोग जो लोग चाहते हैं जा सकते हैं, बिल्कुल बीकानपुर गुमटी बिल्कुल सामने है। चलिए करते हैं ब्लॉक पॉइंट, कैसी लगी जानकारी आप लोग को जरूर बताइए। देखिए भैया हो जाते हैं और हो जाता है कल्याण। चलिए कैसी लगी आप लोग को जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा इस भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज के बारे में जो इतनी जानकारी मिला। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग को जानकारी दे दी है कि भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज का काम कितना बाकी और कितना चल रहा है। बौसी वाला जो लाइन है उसके उस साइड पिलर 7 पिलर तैयार है, भोलानाथपुर और बौसी लाइन पुल के बीच में एक भी पिलर नहीं है। इसके आगे जब आए हैं तो 7-8 पिलर लगभग 9 पिलर बन चुका है, कुछ आधा बना हुआ है कुछ थोड़ा बना हुआ है। लेकिन ये जो आप लोग को सामने केपी नारायण हॉस्पिटल दिख रहा है यहीं तक लास्ट का काम अभी चल रहा है। तो कैसी लगी जानकारी आप लोग को आप लोग जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं जरूर फॉलो कीजिएगा, नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी होगा उसे आप फॉलो करके हमें डीएम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। और हो सके फ्रेंड्स भाई के लिए एक लाइक एक कॉमेंट एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भागलपुर वासी देख रहे हैं अपना प्यार जोड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।